हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। तात्पर्य, यहाँ पर हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयंभू मनु इससे पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए, तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। भगवद गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सृष्टि के बारे में बात चल रही थी, तो अब विदुर जी ने पूछा कि आप मुझे स्वयंभू मनु के बारे में बताओ, देवहूति के बारे में बताओ, कर्दम ऋषि के बारे में बताओ। तो प्रभुपाद रिपोर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर स्वयंभू मनु की बात हो रही है, जबकि भगवद गीता में वैवस्वत मनु की बात भगवान कर रहे हैं। और रिपोर्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1000 महायुग से बना होता है। महायुग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग मिला के एक महायुग हो गया। तो ऐसे 1000 साइकिल चलेंगी तो ब्रह्मा जी के एक दिन होगा 12 घंटे। तो उन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, इसका मतलब जो एक मनु है वो करीब 71 महायुग जो है 71.4 समथिंग आता है। तो उस अवधि तक एक मनु का राज्य चलता है। सो आमतौर पर जो मनु है वो भगवान के भक्ति होते हैं, लेकिन अगर कभी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले तो भगवान स्वयं भी इन पोजीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कभी ब्रह्मा जी उपयुक्त नहीं मिले
तो भगवान स्वयं वो पोजीशन बेसिकली धारण करते हैं। आइडिया ये है कि भौतिक जगत का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। सो क्वेश्चन ये हम उठा रहे हैं यहाँ पर कि आखिर बहुत मुश्किल से किसी साधु का संग मिलता है, तो मैत्रेय ऋषि का संग मिला विदुर जी को, तो वो भगवान के बारे में डायरेक्टली नहीं सुन के वो स्वयंभू मनु देवहूति कर्द मुनि इत्यादि के बारे में क्यों जिज्ञासा कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और श्री प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में एक्सप्लेन किया है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है और जो गुणगान कर रहा है उसको प्योरिफिकेशन होती है, इसी प्रकार भगवान के भक्तों का गुणगान करने से, भगवान के भक्तों के बारे में बात करने से भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता होती है और जो गुणगान कर रहा है उसका भी कल्याण होता है, फायदा होता है, शुद्धिकरण होता है। अभी पीछे एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि हम लोग श्रद्धा कैसे बढ़ाएं भक्ति के प्रोसेस में, भगवान में जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो कैसे इस पूरे प्रोसेस में श्रद्धा बढ़ेगी। इस पूरे प्रोसेस में श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति में श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होगी। आप लोग ऊपर आके बैठ जाओ, ठंडा है ना, ये आप ये मैट्स ले लो, ठंडे लगे आप लोगों को, आप भी आ जाइएगा। ओके, सो भक्ति में श्रद्धा बढ़ेगी बेसिकली भगवान के भक्तों के चरित्र के बारे में जानकर कि भगवान के भक्तों का क्या चरित्र है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया और फिर भी उन्होंने किस तरह भक्ति के प्रोसेस में अपनी श्रद्धा बना के रखी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान भी भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि असित देवल जनक, अर्जुन को का विश्वास सुदृढ़ करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि देखो आप चिंता मत करो, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया, भक्ति की उन्होंने और वापस भगवत धाम गए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक हम एक लाइव एग्जांपल नहीं देखेंगे, जब तक हम सामने किसी भक्त को भक्ति करते हुए नहीं देखेंगे और उससे उनको लाभ लेते हुए नहीं देखेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा थ्योरेटिकल रहती है, किताबी ज्ञान रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे भक्तों को, जब हम भागवतम में, भगवद गीता में, चैतन्य चरितामृत में भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ते सुनते हैं, तो जब हम देखते हैं कि वो लोग भी हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे साधारण परिवारों से थे और काम भी कर रहे थे, भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन जीवन उन्होंने अपना किस तरह से चेंज किया कि भगवान की भक्ति को उन्होंने प्रधानता दी और किस प्रकार उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। जब हम भक्तों के चरित्र के बारे में इस तरह से पढ़ते हैं तो भक्ति के प्रोसेस में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। भगवान स्वयं भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में देखा जाए तो अवंती ब्राह्मण जो है वो तो बहुत ही भौतिक लालची कंजूस व्यक्ति था, लेकिन फिर भी भगवान ने चर्चा की कि देखो अवंती ब्राह्मण जैसा व्यक्ति जो कभी उसने अपने घर में आए लोगों का सत्कार नहीं किया, अपने परिवार वालों को भी सुविधा नहीं दी, ऐसा व्यक्ति भी अगर आयु वृद्ध होने पर भी, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुमारे
कुमार आचरेत प्राज्ञो, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बचपन से भक्ति में जुड़ जाएगा। लेकिन नहीं है बुद्धिमान कोई व्यक्ति, अब नहीं जुड़ा बचपन में भक्ति में, तो भगवान ने भक्ति की महिमा को, भक्ति की के महत्व को बताने के लिए अवंती ब्राह्मण का वृतांत उन्होंने सुनाया और भगवान ने बताया कि फाइन, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी ना किसी तरह से भक्ति में जुड़ जाओ, बस चाहे आपकी एज ज़्यादा हो गई, भक्ति करना शुरू कर दो, अगर सिंसेरिटी होगी, निष्ठा होगी, अगर आप गंभीरता से करोगे तो अवश्य इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त करना संभव है। ये बेसिक आइडिया है। तो जब हम अवंती ब्राह्मण की कथा सुनते हैं, जब हम पांडवों के बारे में सुनते हैं, जब हम मनु, कर्दम मुनि, देवहूति के बारे में सुनते हैं, तो हमें लगता है वेल, इन लोगों ने किया, प्रोसेस को फॉलो किया और भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो हमारे लिए भी होप है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, यह भक्ति कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो एक श्रद्धा आ जाती है, एक आशा की किरण जाग जाती है और उस आशा की किरण के सहारे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। अगर भक्ति प्रोसेस में प्रगाढ़ श्रद्धा लानी है तो सबसे बढ़िया उपाय है प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए और प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यों ने अपने संस्मरण, अपनी स्मृतियाँ जो प्रभुपाद के साथ डीलिंग्स हुई, जैसे हरीश शौर्य प्रभु हैं, भूरिजन प्रभु हैं, इन सब लोगों ने जो प्रभुपाद के साथ में थे, हाँ, जिन्होंने प्रभुपाद के साथ में कई वर्षों तक उनका संग करने का सौभाग्य मिला, या ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद का बहुत ज़्यादा संग नहीं किया लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की वाणी के महत्व को समझा और कैसे प्रभुपाद की वाणी ने उनको प्रभावित किया, प्रभुपाद के जीवन चरित्र ने उनको कैसे प्रेरणा दी, उन सब भक्तों के जब हम संस्मरणों को सुनते हैं, उनकी जो रियलाइजेशन है, अनुभव है कि उनको प्रभुपाद से कैसे प्रेरणा मिली, प्रभुपाद ने क्या किया, क्या बोला, भक्तों के साथ प्रभुपाद का कैसा व्यवहार था और भगवान में प्रभुपाद की कितनी निष्ठा थी, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जानेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक दो दिन पहले ही बात कर रहे थे कि प्रभुपाद ने 1955-56 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी और उसमें प्रभुपाद ने बोला, उस समय प्रभुपाद सन्यासी नहीं थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने लेकिन सन्यास आश्रम अभी स्वीकार नहीं किया था, वो 1961 में प्रभुपाद ने सन्यास लिया था। प्रभुपाद उस समय भी बिल्कुल अकेले थे और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी और उनको बोला कि मुझे पता है भगवत धाम कैसे जाना है ये शरीर छोड़ने के बाद, और आप मुझे पागल मत समझना अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाऊंगा। ये कन्विक्शन है, ये प्रभुपाद अपने उदाहरण से प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, क्या नहीं होगा ही। प्रॉब्लम भक्ति के प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी श्रद्धा में हो सकती है। अगर हमारी श्रद्धा में कमी रहेगी तो हो सकता है हमें टाइम ज़्यादा लग जाए, भक्ति का प्रोसेस एकदम परफेक्ट है। ये जब हम भक्तों के विषय में जानते हैं भागवतम इत्यादि ग्रंथों से, तो हमारी जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ होती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं वांछा कल्प तरुपेश कृपा सिंधु पे विचर पतिता नाम पावने वो वैष्णव नमो नमः, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भक्त दो काम कर रहे हैं एक्चुअली में, भक्त हमें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और भक्त ये दिखा रहे हैं अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा कि हाँ भक्ति में दम है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति करने से आपकी
आप जीवन की सारी समस्याओं को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बड़ी आसानी से पार कर सकते हो, फेस कर सकते हो उनको, विचलित नहीं होंगे अगर आपकी श्रद्धा होगी। तो दोनों तरफ से भक्त हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए भक्त की जय जयकार करना, गुरु को प्रणाम करना, श्रील प्रभुपाद की जय जयकार करना महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ उनकी जय करना पर्याप्त नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने 1961 की अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में मथुरा में बोला था, प्रभुपाद ने बोला अपने गुरु भाइयों को कि आप पे धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए आपको, सब सामने बैठे हैं प्रभुपाद के गुरु भाई। और प्रभुपाद ने बोला कि अगर जब तक आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, अपने गुरु का वाणी संग नहीं किया, जब तक आपने उनके शिक्षाओं पर पालन नहीं किया, जय श्रील प्रभुपाद बोलने का क्या पॉइंट है, वो कोई पॉइंट नहीं है। गुरु पर फूल फल चढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक उनके वाणी संग नहीं किया, उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं किया। तो ये जब हम कन्विक्शन देखते हैं, जब हम इन घटनाओं को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और भक्ति में स्थिर रहना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात।